या वो बहुत समझ आया था आपको, फिर से सारा मतलब मेरे ब्रांड ब्लॉग। तो आप सबको बहुत-बहुत ज्यादा ईद मुबारक, और उसके बाद रमजान मुबारक भी। रमजान में वीडियो नहीं बना पाया था, तो चले फिर अपनी गेमिंग होगी आज। तो बताता हूं मैं गेमिंग किस में करूंगा, पीपीएस पीपी के अंदर। और हमारी यानी कि सीरीज चल रही थी बैकुगान बैटल ग्रॉल्स की, ग्रॉल्स की। तो उसमें होता क्या था कि हमारे ड्रैगोनाइट, और पहले तो ड्रैगोनाइट और किसी बिल्डर के साथ हुई थी। अब देखते हैं किसके साथ हमारी सीरीज चलती है। मैंने बोला था ड्रैगोनाइट हार गया, तो उसके बाद हम हेड्स को सेलेक्ट करेंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं गेम को, स्टॉप करते हैं। या वो तुम गाइस, आपको पता चला होगा कि हम ब्रांड न्यू वीडियो, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि हम लोग खेलने वाले बैकुगान बैटल ग्रॉल डिफेंडर, डिफेंडर ऑफ द कोर। तो देखते हैं आज के बैकुगान कौन सा लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पी वन में लेंगे हेड को, और उसके बाद लेंगे मैक्सस, नहीं इसको नहीं, मैग्मा विल्डा को। मैग्मा विल्डा से लड़ाई करेंगे हम लोग, तो इंटर जापान में खेलेंगे हम लोग। देखते हैं कौन जीतता सबसे पहले, तो देखते हैं कि मैग्मा विल्डर क्या करता है हमारे लिए। और ये इसको पहला पंच में ही खराब हो जाएगा, देखिएगा। और दूसरे पंच में इसकी हालत टाइट हो जाएगी, तीसरे पंच में इसकी ऐसी हालत हो जाएगी, चौथे पंच में इसकी ऐसी हालत हो जाएगी, पांचवे पंच में, पंच नहीं है ये, गेट्स अ फायर। तो फिर अब इसकी हालत ऐसी हो जाएगी, टाइट होने वाली है। तो फिर हम लोग जल्दी से यहाँ पर इसके पास जाएंगे, इसको डायरेक्ट अटैक करेंगे। वो भाइयों कितना मार रही है मैग्मा बेटा हमें। तो गाइस हमें थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए, क्वालिटी का अटैक एक्टिवेट हो चुका है हमारा, और हम लोग अभी बहुत ज्यादा ब्रॉल कंप्लीट हो चुकी है हमारी। पी वन ओके कंप्लीट हो गई है, सीपीओ वन को हमने हरा दिया है, पी वन के पास एक स्टार हार चुका है। तो देखते हैं अब राउंड टू में कौन जीतता है। अगर राउंड टू में मैग्मा बेटा जीत गया तो फाइनल राउंड ही होगा हमारा। तो गाइस देखते हैं कि क्या हुआ है अभी। और ये कम्प्लीटली मैग्मा बेटा मर जाएगा आज के दिन, देखते क्या होता है अब इसके साथ, मैग्मा बेटा के साथ। तो देखते हैं क्या होता है हमारे इन मैग्मा विल्डा के साथ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने मैग्मा विल्डा को हराने की कोशिश करी थी, अब हम लोग गाइस इसको सही वाला हराएंगे। पहले तो वो सॉरी विल्डा को हराने की कोशिश करी थी, अब सही वाला हराएंगे विल्डा को। और ये मैं विल्डा, मैग्मा विल्डा हार जाएगा इस तरह से। नहीं 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 नहीं, अब बुब्बा लगी एक्टिवेट, तो सही वाला मान है हम। और अब एबिलिटी दोबारा एक्टिवेट करनी है, एक और एबिलिटी। ये पड़ा सही वाला मैग्मा विल्डा को। अब हमारे गेट कार्ड कब आएगा, गेट कार्ड आ जाए तो हम लोग बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। मैं जरा किलोरी की तरह बोल रहा हूँ लेकिन सही। देखते हैं कौन जीतता है अब। मैग्मा विल्डा तो ताकतवर है, लेकिन देखना कौन जीतता है, कि हेड जीतता है या हम जीतते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बहुत करीब जाऊंगा, और फिर सुपर पंच स्टार्टेड हो चुके हैं। और फिर एबिलिटी एक्टिवेट करी, और फिर इसको एक चंपा मारा, और फिर इसके एक और चंपे मारे, और फिर इसको खत्म करा। फिर दूसरी एबिलिटी एक्टिवेट करने के बाद दूसरी एबिलिटी एक्टिवेट करी, और फिर हो गया खत्म गेम खत्म, और फिर खत्म हो गया। कुछ नहीं, मैं ना फेंक कर लो।
और फिर खत्म हो गया और मैं जीत गया। मैं जीत गया। अब देखते हैं, अब देखते हैं कि कौन जीतता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। मैग्मा मिल्डा हार चुका है और मैं जीत चुका हूँ। यही आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। तो बाय बाय, टाटा टीवी, अल्लाह हाफिज़। देखते हैं।